हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। सिर्फ 10 सेकंड्स में आप अपना क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल में आई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है और स्ट्रेटली अगर आपके पास पहले से कोई आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको इसके लिए अपग्रेड करना है। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने मोबाइल में अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आपको अपने मोबाइल में आई मोबाइल जो ऐप है आईसीआईसीआई बैंक का, वो इंस्टॉल करना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद जब आप इनके मेन पेज पे आते हैं तो आपके पास जो आपका क्रेडिट कार्ड सेक्शन है, जो बीच में आप एक कॉलम देख सकते हैं कार्ड्स एंड फोरेक्स, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे 3 क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो सबसे नीचे जो ऑप्शन आया है अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड नाउ, बट अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता तो आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसको स्वाइप करना है। जैसा कि यहाँ पे आप मेरा क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं, आपको जाना है मैनेज में और मैनेज पे क्लिक करने के बाद जो आपका मैनेज कार्ड है, आपको इस जो लिस्ट दिया गया है इस पे थोड़ा नीचे आना और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो अवेलेबल क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनमें मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, उन तीनों की जानकारी दी हुई है। सबसे पहला रूबिक्स है, उसके बाद मैनचेस्टर सिग्नेचर है और उसके बाद मेक माई ट्रिप सिग्नेचर है। दोनों ये जो तीनों क्रेडिट कार्ड हैं ये सेमी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, इनके साथ अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो रूबिक्स है इस पर सबसे बढ़िया बेनिफिट जो मिलता है कि इसमें एक ही साथ आपको 2 क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, मास्टर कार्ड भी मिलेगा और इसी के साथ आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का भी कार्ड मिलेगा। इसमें आपको वेलकम वाउचर के रूप में 5,000 रुपीज़ के टाटा क्लिक, ईज माई ट्रिप, सेंट्रल और उबर के जो वाउचर्स हैं वो मिल जाते हैं। Enjoy your favorite movies with 25% discount on Book My Show and Inox. 2 complimentary round मिलते हैं। गोल्फ के एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको इतना स्पेंड करना होगा उसके बाद मिलेगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है इसमें रेलवे लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। ज्वाइनिंग फी 3,000 है और एनुअल फी 2,000 रुपीज़ है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जो रूबिक्स क्रेडिट कार्ड है इसके। अगर मैनचेस्टर की बात करें तो जो टॉप 18 स्पेंडर्स होंगे उनको इंग्लैंड जाने का मौका मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे जाके वो जो मैनचेस्टर का जो गेम होता है फुटबॉल का, उसको देख सकते हैं। इसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रांडेड हॉल डॉल एंड फुटबॉल एज अ वेलकम गिफ्ट आपको मिलेगा। टॉप 100 स्पेंडर्स जो होते हैं उनको मैनचेस्टर का जो यूनाइटेड ब्रांडेड एक टी शर्ट है वो मिलेगा। और बाकी जो बेनिफिट्स जो रूबिक्स क्रेडिट कार्ड पे थे वो इस पे हैं, जैसे कि बुक माई शो का और 10% डिस्काउंट इस पे मर्चेंडाइज जो होंगी यूनाइटेड डायरेक्ट एंड ऑफिशियल मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑनलाइन स्टोर का। और अगर इसके ज्वाइनिंग फ़ी की बात करें तो 2,500 है और एनुअल फ़ी भी 2,500 होगा। एंड अगर आप 2.5 लाख रुपये पिछले साल में स्पेंड कर देते हैं तो वो रिटर्न हो जाएगा। जो ये ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी है इस पे 18% का जो इस पे लगने वाला जो GST है वो भी इसमें लगेगा। और बाकी ये सारे बेनिफिट्स जो मेक माई ट्रिप है, सिग्नेचर है, इसके बेनिफिट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो बेनिफिट्स से अलग अगर बात करें तो अगर मुझे कोई चूज़ करना होता तो मैं इसमें रूबिक्स ही करता। और आपको करना सिर्फ इतना है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको आई हेयर बाई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके इसको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपका एड्रेस कन्फर्मेशन किया जाएगा और आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो अपग्रेड हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है वो बंद हो जाएगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपके आई मोबाइल ऐप में ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा और कस्टमर केयर को कॉल करके उनको अपना इंटेंशन बताना होगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके बाद आपके लिए अगर कोई ऑफर अवेलेबल होगा तो वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको ले लेंगे और उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अपग्रेड कर दिया जाएगा। अपग्रेड में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होता है वो बंद हो जाता है, उसके बाद जो अपग्रेड होकर नया क्रेडिट कार्ड होगा वो आपको मिलेगा।
तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड पहले से बहुत ज़्यादा पुराना है और आप उस पर अपग्रेड लेते हैं, तो वो वाला अकाउंट जो आपका क्रेडिट कार्ड का वो बंद हो जाएगा, तो जो आपका सिविल रिपोर्ट आएगा उसमें वो अकाउंट क्लोज दिखाएगा, तो इससे आपके सिविल स्कोर पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, बट 3-4 महीने में वो फिर से अपडेट होके बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप डरिएगा मत, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई और क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं अपग्रेड करके तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस सिंपलेस्ट तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।